हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज बहुत दिनों के बाद यार ब्लॉग आ रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपसे सॉरी चाहता हूँ भाई। ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे रेगुलर, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। अब रेगुलर ब्लॉग आएंगे। तो आज ही भाई 7 मुहर्रम, मतलब 7 तारीख है भाई मुहर्रम शरीफ की। तो अभी हो रहे हैं भाई 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है शायद, रात का 1:30 बज रहा है। तो मैं अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो 1:30:23 हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही उल्टा दिख रहा होगा, देखो मैं सीधा दिखाऊँ, नहीं दिखेगा सीधा क्योंकि सेल्फी कैमरे से बना रहा हूँ। तो भाई आपको मैं ना आज की भाई मेहंदी दिखाने वाला हूँ। हमारे ऐसे मेहंदी निकलती है ताज़ी है, रात की तरफ निकलेंगे, मतलब सुबह ही हो जाएगी, 4-5 बज जाएंगे, तो उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगा जाके, एंड उसके अगले दिन भी दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा जुलूस निकलता है, 10 मुहर्रम का भी ब्लॉग डालूंगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा लेना, इस ब्लॉग को लाइक जरूर कर देना। तो भाई सुबह को मिलते हैं आपसे, एंड फिर आपको सुबह को ब्लॉग दिखाते हैं। सॉरी गाइस यार, बार बार मुझसे सुबह नहीं करना, मतलब रात ही हो जाएगी, मतलब सुबह ही हो रही, मतलब लेकिन रात कहेंगे, फजर कहेंगे उसको, तो फजर में मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस यार सुबह हो चुकी है, और यार मेहंदी का टाइम होने वाला है 5 या 4:30 बज रहे हैं भाई, करेक्ट टाइम नहीं पता, मोबाइल भी मेरे हाथ में नहीं है। अभी मैं आपको टाइम बता दूंगा भाई, यहाँ पर ना शो करा दूंगा मैं इस साइड में। तो यार बहुत ज़्यादा नींद भरी सी हुई है आंखों में, तो अभी चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं भाई मेहंदी का, चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं। Yeah.
आपको भाई मेहंदी दिखा दी है सारी ऑल, और डीजे देखा होगा आपने कितना बड़ा था, तो उसकी अभी आज तक आपको आवाज़ आ रही होगी, ध्यान से सुनो। देखो अभी तक आपको आवाज़ आ रही है, तो घर के अंदर चलते फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी भाई हम घर के अंदर आ चुके हैं। तो गाइस यार आपने सुना था एक बड़ा वाला डीजे जो होता है उसकी जो बेस थी ना, वो भाई साहब बिल्कुल खतरनाक बेस थी। और यार और कैमरे भी और माइक में भी मुझे लगता है कि उसकी वॉइस ना बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हो पाई होगी, क्योंकि इतना तेज तो मोबाइल की भाई इतनी तो भाई होती नहीं है, तो इस वजह से भाई हो सकता है रिकॉर्ड नहीं हुआ हो। अभी मैं रिकॉर्डिंग चेक करूंगा, और उसके बाद यार अब कल को भी मेहंदी निकलेंगी 8 तारीख को, तो वो मेहंदी भी दिखाऊंगा। इसमें तो भाई सुबह हो गई थी, 6:00 हो गए थे शायद से, जितने शायद 7 बज गए थे, तो आई थिंक इतने बजे ही आती है वाली मेहंदी, 5:30 नहीं 6:15 हो रही है, 6:45 निकल चुकी है। मतलब कि तो आप सोच रहे होगे कि हमेशा मैं यहीं से शूट क्यों करता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ से बहुत अच्छा फ्रेम मिल जाता है, खुली जगह है ना, तो इसलिए सारी दिख जाती है। अगर मैं गली वगैरह में चला जाऊँगा तो वहाँ से वो मज़ा नहीं आता जो हम यहाँ से मैं बना लेता हूँ, क्योंकि यार अपनी जगह है तो आराम से मैं बना लेता हूँ। अभी फ्रेंड वगैरह खड़े थे मेरे साथ, मेरे उन्होंने भी बनाई होगी आई थिंक, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने तो बनाई है एंड आपको दिखाने के लिए बनाई है। कल को फिर से निकलेंगे मेहंदी दिखाने के लिए, बट वो रात में आएगी शायद, वो इतनी सुबह नहीं करती, वो रात में आएगी, उसको पंचायती मेहंदी कहते हैं आई थिंक, तो वो वाली मेहंदी आएगी। तो इस वीडियो को यार ब्लॉग को यार यहीं पर रखते हैं, ब्लॉग को ज़्यादा ब्लॉग को लाइक करके चले जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो फिर बाय बाय।